शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन का यानी नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अब से कुछ देर पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बड़ी चीज आपको बता दें कि इस नॉमिनेशन के दौरान ना ही मुख्यमंत्री मौजूद थे, ना ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि आज जनसभा होनी है थोड़ी देर में राजीव गांधी खेल मैदान में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित कई दिग्गज पहुंचेंगे। आम सभा को संबोधित करने का पूरा कार्यक्रम है। सीएम गहलोत अनिल शर्मा के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करेंगे। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का है आज आखिरी दिन। 3 बजे तक का वक्त है जब नॉमिनेशन कैंडिडेट्स फाइल कर सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये अनिल शर्मा के नामांकन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर मौजूद नहीं थे, ना ही पीसीसी चीफ। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा वहां मौजूद थे। आपको बता दें कि थोड़ी देर में जो है राजीव गांधी खेल मैदान में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। उस दौरान वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। अनिल शर्मा के समर्थन में सीएम जनसभा करेंगे। आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है, यानी आज नामांकन फाइल करने का लास्ट डे है। बीजेपी कैंडिडेट ने पहले ही नामांकन दाखिल कर दिया। अनिल शर्मा आप भी कर चुके हैं नामांकन दाखिल। आरएलपी के कैंडिडेट भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही साथ में निर्दलीय कैंडिडेट का भी नॉमिनेशन आज फाइल होना है। तो बहुकोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट भी मैदान में है। आरएलपी ने मुकाबला दिलचस्प कर दिया है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आरएलपी हो गया है। अब ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है। 3 बजे तक ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद नॉमिनेशन नहीं हो पाएंगे। आपको बता दें दिन बड़ा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री मौजूद है सरदार शहर में। आज उनका एक बड़ी जनसभा होनी है गांधी मैदान में, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। पंडाल वगैरह लग चुका है, इंतजार है मुख्यमंत्री का। कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे उसके बाद में यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। अनिल शर्मा के समर्थन में ये जनसभा मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। हमारे साथ में अनिल जी जुड़ गए। अनिल जी, आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, अब क्या तैयारी है, क्या दावा है? निश्चित, अभी नामांकन दाखिल कर दिया। सबसे पहले तो मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। नेतृत्व से बीजेपी में नाराजगी दिखी, जाट समाज नाराज दिखा, क्या जाट समाज के लोगों से आपकी बात हुई है, क्या आप उनको साथ लेकर के आ सकेंगे? निश्चित रूप से जाट समाज मेरे साथ है, उनका सदैव आशीर्वाद रहा है। अब कुछ लोग चर्चा करते हैं जाट समाज नाराज है, शीर्ष पार्टियों ने टिकट नहीं दी, तो ये स्थिति बीजेपी में तो है। 5-6 दावेदार थे और आपने मीडिया में आप सबको पता है, लेकिन क्या आपने देखा है कांग्रेस में किसी ने टिकट मांगी है? कांग्रेस में तो किसी ने टिकट आवेदन ही नहीं किया। इसलिए ये बात बेमानी है कि जाट समाज कांग्रेस है। कांग्रेस का हमेशा कांग्रेस पे पंडित जी पे, क्योंकि पंडित जी लगातार 7 बार से रहे हैं, तो उनका भी स्नेह आशीरवाद उन पर रहा है, मेरे पे भी रहेगा निश्चित रूप। आरएलपी के प्रत्याशी भी नामांकन दाखिल कर रहे, लालचंद मूंड को उतारा है, तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा? क्या आपको कहीं चुनाव में परेशानी हो सकती है? नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं मानता। अलग अलग पार्टियों की नीतियाँ, अलग सिद्धांत होते हैं, वो अपने बात करेंगे। आपकी पार्टी में भी जिलाध्यक्ष सालासर बालाजी के महंत हैं, बीजेपी में भी महंत को जिलाध्यक्ष बना रखा है, बालाजी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? निश्चित रूप से मेरे पर तो बालाजी का आशीर्वाद है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये है अनिल शर्मा जो कह रहे थे कि अभी जब राजीव गांधी मैदान पर सभा होगी तो अंतर क्या रहेगा, कितना रहेगा, ये सबके सामने आ जाएगा, और वो लंबी लकीर खींचने की कोशिश करने की बात भी कह रहे। तो अनिल शर्मा काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं हमसे बातचीत के दौरान। ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे सहयोगी जुड़ गए। शशि, क्या अपडेट है? आज नॉमिनेशन का लास्ट डे है, कितनी देर में मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और कितना इंपैक्टफुल रहेगा मुख्यमंत्री का ये संबोधन इस मौके पर? देखिए, मुख्यमंत्री का भाषण तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, साथ में जो जिस बात को हम अनिल शर्मा से पूछ रहे थे कि राजीव गांधी मैदान पर सभा करने का क्या मैसेज, क्योंकि दो अलग अलग जगह हैं, दो अलग अलग आयोजन हैं। कल गांधी चौक पर हमने बीजेपी की सभा देखी थी, आज आरएलपी भी वहीं सभा कर रही है, और ये राजीव गांधी मैदान है जिसमें ये सभा हो रही है। तो पहले दिन से मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाते हुए लंबी लकीर खींचने की जो कोशिश है वो आपको दिख रही है। कल गांधी चौक वाला जो बाजार है उसमें सभा थी, और आज ये जो सभा है इसमें इन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर के आए हैं। साथ में मंच पर भी आप देखिए कि पूर्व मंत्री नसीम अख्तर दिख रही हैं, पूर्व मंत्री शैलेंद्र जोशी मंच पर दिख रहे हैं, इसके साथ में जो मास्टर भंवरलाल थे उनके पुत्र विधायक सुजानगढ़ के मनोज मेघवाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और पूर्व विधायक भी मौजूद हैं।
मंगलाराम गोदारा, इसके साथ में यहाँ जो सरदार शहर के प्रमुख कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब एकजुटता यही दिखाने की कोशिश कि सब अनिल शर्मा के साथ हैं। हालांकि जो श्यामलाल शर्मा बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका कितना नुकसान होगा इसका आकलन अलग अलग नजरिए से किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि श्यामलाल शर्मा के जाने का कोई बड़ा नुकसान उनकी पार्टी को नहीं होने वाला। अनिल शर्मा जब अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे तो उनका भी यही कहना है कि वो मोहनलाल शर्मा की राजनीतिक विरासत को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ ही उनके जो पूरा करने की कोशिश करेंगे और जो मंच पर आएंगे तो उनके सामने जो यहाँ पर लोगों के रह गए हैं। अनिल शर्मा कहते हैं कि वो नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं, लगातार लोगों के बीच सक्रिय रहे हैं, अभी भी मोहनलाल शर्मा के निधन के बाद से 100 गांवों का दौरा कर चुके हैं। इनका कहना है कि लोगों से जुड़ाव के कारण लोग उनको प्राथमिकता देंगे और उनको जिताएंगे। हालांकि मोहनलाल शर्मा के मुकाबले ज्यादा मतदान से जीतेंगे या नहीं इसको लेकर अनिल शर्मा दावे से कुछ नहीं कहते। उनका कहना है कि जीत उनकी तय है, मार्जिन भविष्य के घर में है, ईवीएम में कितने वोट पड़ते हैं, कितने वोट उनके पक्ष में आते हैं ये अलग बात है, लेकिन साथ में ये भी कहना है कि जाट समाज के लोग वो कांग्रेस पार्टी साथ आएंगे ऐसा दावा अनिल शर्मा ने किया। उन्होंने कहा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बड़ी भूमिका में होंगे, डोटासरा जाट समाज से आते हैं, ऐसे में जाट वोटों को साधने के लिए उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी अनिल शर्मा की, इस तरह की बात रखी। एक तो बात बहुत बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही कि भाई सिंपथी वोट जा रहा है उस तरफ, लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं रंग में भंग डालने के लिए आरएलपी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भी आरएलपी यहां पर लड़ी थी, 10-11-12 हजार वोट उनको मिले थे, अगर उस मार्जिन तक इस बार भी आरएलपी अगर जाती तो क्या कोई दिक्कत कांग्रेस के लिए होती नजर आ रही है आपको यहाँ पर? देखिए भले ही इसको एक नजरिए से रंग में भंग देखा जाए, लेकिन आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि वो रंग जमाने के लिए आ रहे हैं, अच्छा मैदान को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के जो प्रत्याशी हैं लालचंद मूल जो चुरू डेयरी के अध्यक्ष रहे वो यहाँ के लोगों में पकड़ रखते हैं, लोगों से संपर्क रखते हैं, हालांकि वो कांग्रेस के बागी हैं लेकिन इस लिहाज से कुछ हद तक कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जो जाट समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है वो लालचंद मूल के साथ किस हद तक जाता है इससे पता पड़ेगा कि बीजेपी को कितना नुकसान होगा। नुकसान तो दोनों पार्टियों को होगा ये तय बात है, लेकिन ज्यादा नुकसान वो किसको पहुंचाते हैं इसका आकलन समय पर होगा, जब हार जीत पता लगेगी उसके बाद इसका आकलन हो सकेगा। बहरहाल हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी के प्रत्याशी हैं लालचंद मूल वो नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंच चुके हैं, उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग, विधायक नारायण बेनीवाल और इंदिरा बावरी वो भी साथ में हैं। हनुमान बेनीवाल सीधे गांधी चौक पर होने वाली सभा को संबोधित करने के लिए जी। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं, आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।